श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे मस्सों के कुछ सरल उपचार। मस्से को जिसे वॉट्स कहते हैं। मस्से वैसे तो कोई तकलीफ नहीं देते, लेकिन खासकर चेहरे के मस्से को रंग रूप को विकृत कर देते हैं, आपको भद्दा बना देता है। वे त्वचा पर उगते उभरते और अवांछित प्रतीत होते हैं। मस्से गर्दन, हाथ, पीठ, चिन, पैर यदि किसी भी जगह पे हो सकते हैं। मस्से पिगमेंट कोशिकाओं के समूह होते हैं। ये काले भूरे रंग के होते हैं। कुछ जो मस्से होते हैं वो अनुवांशिक होते हैं, लेकिन अधिक धूप में रहने पे भी मस्से पनप सकते हैं। ज्यादा अगर आप धूप में रहते हैं तो मस्से हो सकते हैं। अधिकतर मस्से जो है कैंसर रहित होते हैं। मैं आपको कुछ 22-23 उपचार बताता हूं मस्से के। तो मस्से पर आलू काटकर उसका जो फांक है वो रगड़ते रहिए, कुछ रोज में मस्से झड़ने लगेंगे। फिर जलती हुई अगरबत्ती का गुल मस्से को छुआएं और तुरंत हटा लें। लगातार कुछ दिन ऐसा उपचार करने से मस्से सूख कर झड़ जाते हैं। फिर केले का छिलका का भीतरी भाग, तो केले के छिलके का जो भीतरी हिस्सा वो मस्से पर रगड़े, ये बहुत हितकारी होता है। फिर प्याज का रस नियमित रूप से मस्से पर लगाते रहने से मस्से दूर हो जाते हैं। अभी एक लस्सू की कली चाकू से काट कर उसे मस्से पर रगड़े, धीरे धीरे मस्से सूख कर झड़ने लगते हैं। खट्टे सेब फल का रस मस्से पर दिन में 3 बार लगाइए और उंगली से मालिश करते रहने से आपके जो मस्से हैं वो समाप्त हो जाएंगे। फिर मीठा सोडा अरंडी के तेल में मिलाकर पेस्ट जैसा बनाकर रोज रात को सोते वक्त मस्से पर उंगली से लगाने से उस पर पट्टी बांध दीजिए और सुबह पट्टी खोलने के बाद आपको अच्छे परिणाम प्रतीत होंगे। आप ऐसा थोड़ा 2-4-5 दिन तक करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। फिर फूलगोभी का रस लगाने से मस्से जो है वो नष्ट हो जाते हैं। रात को सोते वक्त और सुबह के समय मस्सों पर शहद लगाने के लाभकारी परिणाम मिलते हैं। विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन ई का नियमित सेवन करने से मस्सों से निजात मिल जाती है और स्वास्थ्य भी उन्नत हो जाता है। फिर पोटेशियम युक्त सेब, केला, अंगूर, आलू, पालक, टमाटर का प्रचुर मात्रा में उपयोग करने से आपके मस्से नष्ट होते हैं। फिर थूहर का दूध, वो कटीला जो पदार्थ होता है, कटीला प्लांट होता है, थूहर का दूध या कार्बोलिक एसिड मस्सों पर लगाना कारगर चिकित्सा मानी जाती है। नागरवेल के पान का डंठल, उसका रस निकालना है, रस मस्से पर लगाना परम हितकारी उपचार है। फिर ग्वार पाठा जिसे एलोवेरा कहते हैं, एलोवेरा से मस्से की चिकित्सा की जा सकती है। एलोवेरा के रस में रुई का फाहा 1 मिनट तक के लिए भिगोएं और उस पर मस्से पर रखें और चिपकने वाली पट्टी मतलब एडहेसिव टेप उसका उस पर स्थिर कर दीजिए। यह प्रक्रिया दिन में कई बार करना उचित है। 3-4 हफ्ते में जो आपके मस्से हैं वो साफ हो जाएंगे। मस्से वाले भाग को पर्याप्त गर्म पानी में डुबा कर रखने से मस्से मुलायम हो जाते हैं और मस्से के वायरस जो वायरस है वो भी मर जाएंगे। पानी इतना गर्म नहीं होना चाहिए कि आपकी त्वचा जल जाए। फिर मस्से वाले भाग को पाइनएप्पल जूस पर रखें, इससे मस्से को नष्ट करने वाले एंजाइम्स होते हैं पाइनएप्पल के जूस में। फिर ताजा अंजीर लें, इसे कुचल कर मसल कर इसकी कुछ मात्रा मस्से पर लगाएं और 30 मिनट तक लगा रहने दें, फिर गर्म पानी से धो लें। 3-4 हफ्ते में जो आपके मस्से हैं वो समाप्त हो जाएंगे। फिर बरगद के पेड़ के पत्ते का दूध मस्से के उपचार के लिए बहुत ही असरदार है। इस प्रयोग से त्वचा सौम्य हो जाती है और मस्से अपने आप गिर जाते हैं। फिर केले के छिलके के अंदर की तरफ मस्से पर रखकर मैंने आपको बताई एक पट्टी बांध लें और ऐसा दिन में 2-3 बार करें, लगातार करते रहेंगे तो मस्से ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे। अरंडी का तेल भी अगर नियमित रूप से मस्से पर लगा रहे हैं तो मस्सा नरम पड़ जाएगा और धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। अरंडी के तेल के बदले कपूर का तेल भी आप प्रयोग कर सकते हैं। फिर एक बूंद ताजे मौसमी का रस मस्से पर लगा दें और इसे पट्टी से बांध लें। ऐसा दिन में लगभग 3-4 बार करेंगे तो ऐसे करने से आपके जो मस्से हैं वो गायब हो जाएंगे।
कसी शादी तेल मसों पर रखकर पट्टी में बांध लें। होम्योपैथी में मसे नष्ट करने के कई कारगर औषधियां हैं जो लक्षणों की समानता के आधार पर व्यवहार में लाई जाती है। मैं आपके कुछ आपको बता देता हूं, कुछ दवाइयां भी होम्योपैथी में। थूजा वन वन है, कास्टिकम, केलकेरिया कार, डलका मारा, फेरम पिक्रिकम, एसिड नाइट्रिक, नेट्रम कार, नेट्रम म्यूरिटिकम, नेट्रम म्यूरी एटिकम, एंटीमोनियम, सीपीआर 200। ये सब कुछ होम्योपैथिक की दवाइयां हैं जिससे आपके मस्से खत्म होंगे। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए।